स्टूडेंट्स वेलकम टू एल एन डिजिटल लेते हैं क्वेश्चन क्या है लेके ई एल एन एक्स इंटू डी dx प्लस जीरो से लेके वन e की पॉवर x इंटू डी एक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वॉट वी आर ट्राइंग टू डू हम दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग ट्रीट करते हैं से लेके तक करना है. तो अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो दिस बी एन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वन इंटू एल एन माइनस वन ई एल एन ई माइनस वन की बात करूं तो एल एन ई का वैल्यू वन हो जाएगा तो ई माइनस ई तो जीरो और ये जीरो हो गया एल एन वन और माइनस का वन तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो वन के बराबर आ जाएगा लेट सी द सेकंड इंटीग्रेशन जो कि बहुत ही आसान है बच्चों e की पावर 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 का का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है कि e की X का e की X ही होता है तो ई e की पावर से लेके दैट विल गिव गिवी माइनस वन मुझे क्या चाहिए वॉट डू आई वॉन्ट मुझे चाहिए आई वन प्लस आई टू ये आपका आई वन है और ये आपका आई टू है तो आई वन प्लस आई टू चाहिए तो बच्चों आप देख ही सकते हैं कि आई वन प्लस आई टू का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है आई वन प्लस आई टू जो है वो ई e के बराबर आ गया राइट चलिए तो टिप क्या है वो देखिएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं है ना आपने अभी आई वन देखा आई टू देखा तो मैं दो बातें आपको बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा सबसे पहली बात सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है बच्चों कि अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर एल एन एक्स जो है उसको मैं एफ एक्स कंसिडर करूं तो एज यू नो इनवर्स कैसे निकाला आता है तो एल एन एक्स अगर एफ एक्स है तो ई e की पावर एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स है

अपर लिमिट मिलेगा। तो ये ये दोनों दोनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ठीक चलिए, तो ये दोनों का इंटीग्रेशन जो कैसे दिया। तो मैं वही ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों इसको के तो के के? E के. क्या, आपको क्या करना है अगर इस तरह का कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है एक इंटीग्रल लिखा हुआ है आई वन दूसरा इंटीग्रल लिखा हुआ है आई टू एक दूसरे के इनवर्स है, एक फंक्शन

कि अगर मैं a से भी fx से लेके bx dx लिखा हुआ है प्लस c से लेके d gx into dx लिखा हुआ है अब मैं बोल रहा हूं कि gx क्या है मेरा f इनवर्स x है यानी a से लेके b fx into dx प्लस ये f इनवर्स x बन गया अब लिमिट चेंज होगी कि अगर मैं fx में a पुट करता हूं तो मुझे c मिल जाएगा fx में अगर मैं b पुट करता हूं तो मुझे d मिल जाएगा यानी f ऑफ a अगर मेरा c है और f ऑफ b मेरे पास d है

और ये आपका एफ एक्स का ग्राफ हो गया ठीक है दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटीग्रल एफ ऑफ ए से B, X, Dx. सही बात है अगर मैं इसके इंटीग्रल की बात करूं तो क्या बनेगा एफ ऑफ ए से लेकर एरिया तो दे देगा और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा यह हो जाएगा आपका ए से लेके बी एफ एक्स के, के द्वारा बनने वाला एरिया अब क्या हुआ बच्चों अब यह हुआ कि ये ग्राफ मैंने यहां से उठा के वहां पेस्ट कर दिया ठीक है मिरर इमेज ही एक दूसरे के है। सही बात है तो पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन का एरिया आपको मिल रहा था दिस एरिया और ये जो एरिया आपको मिल रहा है यहां पे ये वाला पोर्शन दोनों एरिया सेम होंगे राइट सबको दिखाई दे रहा है ये दोनों एरिया क्या होंगे सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों एरिया सेम होंगे मेरे हिसाब से अब यहां पर क्या हुआ लेट मी डिलीट ऑल दिस आप समझ गए होंगे इस बात को अब यहां पर क्या हुआ कि मुझे क्या करना है वॉट आई वॉन्ट मुझे ये वाला एरिया चाहिए प्लस ये वाला एरिया चाहिए अगर मुझे दोनों एरिया चाहिए जो कि दोनों इंटीग्रल्स का सम है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बड़े बड़े वाले 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 रेक्टेंगल 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 में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कर देंगे अगर आप बड़े वाले रेक्टेंगल की बात करें तो यहां से यहां तक जो लेंथ आपको दिखाई देगी वो दिखाई देगी आपको बी के बराबर और अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की हाइट की बात करूं तो ये आपको दिखाई देगा एफ ऑफ बी तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा बी इंटू एफ ऑफ बी किस रेक्टेंगल का बड़े वाले रेक्टेंगल का और छोटे वाले रेक्टेंगल की बात करें तो छोटे वाले रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो हो जाएगी आपकी एफ ऑफ ए के बराबर और जो लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों ए के बराबर तो मेरा फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए तो होपफुली आपको प्रूफ भी इसका समझ में आया होगा चलिए एक सवाल देखते हैं सवाल है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस प्लस दिस राइट देख सकते हैं कि अगर मैं ऑब्जर्व करूं फंक्शन एफ एक्स जो है वो लॉग बेस टू एक्स क्यू प्लस वन है तो इसका इनवर्स क्या होगा ही बात है टू की पावर एक्स माइनस वन पूरे की पावर वन बाई थ्री यानी तो मेरा एफ इनवर्स एक्स है ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था लिमिट्स का ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं यहाँ पे की जगह वन पुट कर दूं तो लॉग टू टू 1 हो जाएगा जो कि यहाँ की लोअर लिमिट है अगर मैं टू पुट कर दूं तो टू का क्यूब हो गया तो यहां पे अगर आंसर देखना चाहूं तो एफ ऑफ वन बराबर लॉग नाइन टू दू है तो आंसर कैसे निकालते थे बच्चों अपर लिमिट का मल्टीप्लीकेशन अपर लिमिट्स होगा ट्वाइस ऑफ लॉग नाइन टू बेस टू माइनस लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन वन हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है यहां पर एट होता तो उसका वैल्यू थ्री आता तो नाइन है तो थ्री दिस विल बी सिक्स पॉइंट समथिंग राइट और माइनस का वन अब सिक्स पॉइंट समथिंग और फाइव पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों किसके बराबर आएगा फाइव के यानी इस सवाल का जो आंसर था फाइव देखिए कितनी जल्दी कितने फटाफट हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया और यू विल बी फील सरप्राइज्ड कि ये सवाल जो है जे एडवांस 2022 में पूछा गया था तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस टिप थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस अ गुड डे